प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आप सब कैसे हैं? मैं पीएस तिवारी आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे और हम भी स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त हैं। आप अपने से बुजुर्गों का सम्मान करें, उनके द्वारा कही गई बातों पर विचार करें और जो आपके लिए कहेंगे सार्वभौमिक शक्ति कहते हैं, गलत नहीं कहते हैं, और अपन से सही तरीके से पाठित सोच करके सही करने का प्रयास करें, तभी हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। ये हमारी एक थिंक होनी चाहिए, क्योंकि आज का जीवन ऐसा है कि हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गलत करता है और उस टाइम पर हम सही बोलते हैं तो अपने आप को सही भी गलत दिखता है। इसलिए विचारों का विमर्श करना बहुत ही आवश्यक है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट थी कि आप कोई भी आपको अगर कोई रास्ता बता रहा था तो विचार करें कि क्या रास्ता सही है गलत, इसके बाद अपने कदम बढ़ाने का प्रयास करें। ठीक है, आज का मेरा एक थाट था, तो आप इस थाट को मानिए और अच्छे कर्म अच्छे धर्म पर चल के अपने माता पिता का नाम रोशन करें और समाज में आगे बढ़े। ठीक है, आज हम एक पुनः नए टॉपिक के साथ आपके साथ हैं। आज का मेरा जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है सेलों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। जैसा कि हमने पढ़ चुका है, हमने तीसरा संयोजन पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन। पहला पढ़ा था अपन ने रेसिस्टेंस के लिए, दूसरा पढ़ा था अपन ने कैपेसिटेंस के लिए और तीसरा पढ़ रहे हैं सेल के लिए। तो डाउट मत होइएगा, प्रतिरोध वाले में हमने आर यूज किया था, कैपेसिटेंस वाले में हमने सी यूज किया था और आज जो सेल यूज कर रहे हैं तो सेल में अपन अप्रॉक्स या यूज करके फार्मूला को डिराइव करें। तो आज का टॉपिक है मेरा सेलों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो सबसे पहले चीज तो आपने पढ़ा है कि जो किसी चीज का संयोजन कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं आप शायद जानते हैं, फिर भी हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी चीज का कॉम्बिनेशन करने की आवश्यकता तब होती है जब कहीं पे उसके लिए अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता होती है और कहीं पे कम मात्रा की आवश्यकता होती है, वहां पे किसी न किसी चीज का कॉम्बिनेशन किया जाता है। तो यहाँ पे अपन कॉम्बिनेशन कर रहे हैं सेल का, जब हमें अधिक विभवांतर या कम विभवांतर की आवश्यकता हुई होगी उसके लिए सेलों का एक संयोजन किया गया। और इन सेलों का संयोजन तीन प्रकार से किया गया। कितने प्रकार से किया गया? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सेलों का संयोजन तीन प्रकार से किया गया। दी फर्स्ट इन कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन इन सीरीज एंड सेकंड कॉम्बिनेशन इन पैरेलल, नाउ लास्ट थर्ड कॉम्बिनेशन इन मिक्स्ड। हिंदी में कहेंगे पहला नंबर है श्रेणी क्रम में संयोजन, सेकंड नंबर है समांतर क्रम में संयोजन और थर्ड नंबर है मिश्रित क्रम में संयोजन। यानी कि जो हमारा सेलों का संयोजन है तो कितने प्रकार से होता है? थ्री टाइप से होता है, सीरीज पैरेलल एंड मिक्स। अब अपन डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन इन सीरीज के बारे में। वी हैव डिस्कस कॉम्बिनेशन इन सीरीज श्रेणी क्रम। आइए हम डिस्कस करेंगे श्रेणी क्रम के बारे में। तो आप सभी अपनी कॉपी और पेन निकालिए नोटबुक को और उसमें आप सभी तैयार कीजिए। फर्स्ट नंबर डालिए श्रेणी क्रम में संयोजन। फर्स्ट नंबर आपका टॉपिक क्या है? श्रेणी क्रम में संयोजन। श्रेणी क्रम में संयोजन, इंग्लिश में कहेंगे कॉम्बिनेशन इन सीरीज, कॉम्बिनेशन इन सीरीज। ये भी बहुत मोस्ट टॉपिक कह सकते हैं, छोटे हैं बाकी बहुत छोटे हैं, अपने आप में काफी मोस्ट टॉपिक को सभी कहते हैं। कोई भी चीज कितनी भी छोटी क्यों ना हो लेकिन हर एक और हर थिंग अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। तो श्रेणी क्रम में संयोजन, सबसे पहले अपन इसको डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जब अपन डायग्राम को समझ जाएंगे तो अपन इसकी थ्योरी को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले बनाते हैं इसका डायग्राम। तो सेलों का संयोजन है लेकिन किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में अपन कुछ सेल लेके चलते हैं, जो स्टैंडर्ड तीन मानते हैं, मान लेते हैं तीन सेल लेके चलते हैं,
ये आपका एक पहला सेल हो गया, ये पहला सेल, इसको मानते हैं प्लस, इसको मानते हैं माइनस, बड़ा पता है आपको सभी को। यहाँ पे आपका हम लेते हैं दूसरा सेल, ये हो गया दूसरा सेल, इसका पॉजिटिव सिरा, इसका नेगेटिव सिरा, फिर अपन कंटिन्यूस ले लेते हैं तीसरा सेल, तीसरा सेल आपका हो गया ए, यहाँ पे भी ए इसका पॉजिटिव और यह इसका निगेटिव। अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपके पास तीन सेल रखे हैं, सेल को हम कुछ मान सकते हैं, सी भी मान सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ई माने हैं, ये आपके तीन सेल कम से ई हैं। इनके जो आंतरिक प्रतिरोध है, तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है बताए थे हमेशा कि इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर मानते हैं। अगर हम कैपिटल आर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सेल के आंतरिक प्रतिरोध को हमेशा किससे दर्शाते हैं, स्मॉल आर से, और सेल के बाद तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बताते हैं कैपिटल आर से, तो आपका क्या होगा स्मॉल आर हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं समझिएगा, जो सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन में क्या लिखेंगे अपन, कि सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक सेल के ऋण ध्रुव को अगले सेल के धन ध्रुव से जोड़ते हैं। यहाँ थ्योरी क्या बनेगी कि सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए पहले सेल के ऋण ध्रुव को, अच्छे से सुनिए आप लोग की बोल रहे हैं, हाँ नोट्स बनाइए सुनिए, देखिए फिगर में क्या बोल रहे हैं, सेलों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ने के लिए पहले सेल के ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के धन ध्रुव से, यानी कि इसका ऋण इसका धन ध्रुव से जोड़ते हैं, यानी आपस में इनको जोड़ देते हैं। ठीक, पहले सेल के ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के धन ध्रुव से, फिर दूसरे सेल के ऋण ध्रुव को तीसरे सेल के धन ध्रुव से जोड़ते हैं, और इसी प्रकार से अन्य सेलों को जोड़ते जाएंगे। निकांतिक क्या हो रहा कि प्रत्येक सेल के ऋण ध्रुव को अगले सेल के धन ध्रुव से जोड़ रहे हैं। जोड़ापन में लास्ट में क्या करते हैं कि अंतिम सेल के ऋण ध्रुव, अंतिम सेल के ऋण ध्रुव और पहले सेल के धन ध्रुव के बीच एक बाह परिपथ तैयार करते हैं। यहाँ पे क्या लगा होता है, बाह प्रतिरोध कैपिटल आर लगा होता है, ये हो जाएगा आपका बाह प्रतिरोध कैपिटल आर। अब इसमें धारा क्या प्रवाहित होगी बताइए, आई किधर से निकलेगी, सभी को पता है कि करंट का प्रवाह, जो फ्लो ऑफ करंट होता है पॉजिटिव टू निगेटिव जाता है, यहाँ से करंट निकलेगी पॉजिटिव सिरे से, और करंट को माने गया ही ये करंट कंटिन्यूस डायरेक्शन में घूमेगी। ठीक, तो जो सेल का श्रेणी क्रम संयोजन था इसका डायग्राम आप तैयार करिए, फिर हम इसको लिखाते हैं। हम आपको 1 मिनट टाइम दे रहे हैं, इसे बना लीजिए, फिर अपन आगे इसमें बात करते हैं। बन गया डायग्राम सभी का, अगर आप सभी का डायग्राम बन गया हो और जो आप मुझे देख पा रहे हैं ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं पढ़ना चाहते हैं, तो अब इसकी थ्योरी जो हमने समझाया है तो यहाँ से लिखना चालू कर दीजिए। थ्योरी हमने जो बताया वही रहेगी, क्या बोले हैं लिख लीजिए, सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए, सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए पहले सेल के ऋण ध्रुव, ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के धन ध्रुव से तथा दूसरे सेल के ऋण ध्रुव को तीसरे सेल के धन ध्रुव
से जोड़ते हैं और अंत में अंतिम सेल के ऋण ध्रुव को ऋण ध्रुव को पहले सेल के धन अंतिम सेल के ऋण ध्रुव और पहले सेल के धन ध्रुव के बीच एक विद्युत परिपथ तैयार करते हैं जिसमें विद्युत धारा I प्रवाहित होती है समझिए, हमने जो डायग्राम बनाया था, जो समझाया था, वही लिखा है। देखिए क्या लिखे हैं, सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए पहले सेल के ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के धन ध्रुव से, यानी कि ये पहला सेल है इसका ऋण ध्रुव और दूसरा सेल इसका धन ध्रुव, आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़ते हैं। फिर क्या लिखाया, तथा दूसरे सेल के ऋण ध्रुव को तीसरे सेल के धन ध्रुव से जोड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरे सेल का ऋण ध्रुव और तीसरे सेल का धन ध्रुव आपस में जुड़ता है। फिर क्या लिखाया, और अंत में अंतिम सेल के ऋण ध्रुव और पहले सेल के धन ध्रुव के बीच एक विद्युत परिपथ तैयार करते हैं। अंतिम सेल का ऋण ध्रुव और प्रथम सेल का धन ध्रुव के बीच एक हमने विद्युत परिपथ तैयार किया, इसमें धारा क्या बहती है, आई। यही तो हमने लिखा है, जो आपने बनाया वही आपको लिखना है, वेरी इजी है। थ्योरी था कि हमने एक बार लिख भी दिया, समझा भी दिया। आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब दो लाइन किसका, जो मैथमेटिकल है तो संतान करेंगे इसी का मैथमेटिकल। अब हम बात करेंगे इसके मैथमेटिकल टॉपिक के बारे में, तो इस चलिए इसके मैथमेटिकल देख लेते हैं। ये भी बहुत इजी है, ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है। थ्योरी तो आई होप कि आप सब समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम इसी में आगे बात करेंगे मैथमेटिकल के बारे में। देखिए आप लोग सभी को ये माना, तीन सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, या ऐसे लिख लीजिए माना स्मॉल एन सेल श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, इसका व्यंजक है। माना स्मॉल एन सेल श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल R है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैपिटल E तथा आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल R है तब बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल बराबर तथा कुल आंतरिक प्रतिरोध बराबर स्मॉल एन आर
देखिए हमने यहाँ पे मान चला सब कुछ, क्या माना है कि माना इस माल एंड सेल श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, कितने सेल नंबर ऑफ सेल एंड टाइम, क्योंकि अनंत वाले जाएंगे इसलिए कितने होगा एंड टाइम, कि प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या माना हमने ई माना है, सबने क्या माना ई, विद्युत वाहक बल ई है और सबका तथा आंतरिक प्रतिरोध इस माला यानी कि जिनका आंतरिक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध क्या है इस माल आर है। ठीक, फिर क्या लिखे हैं, तब बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल बराबर एन ई, यानी कुल विद्युत वाहक बल निकालेंगे तो एन ई कैसे हो जाएगा, विद्युत वाहक बल क्या माना ई, नंबर ऑफ सेल कितने हैं यंग टाइम, गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा एन ई, राइट। फिर क्या लिखा हमने, तथा कुल आंतरिक प्रतिरोध बराबर एन आर, अब देखिए सभी का आंतरिक प्रतिरोध क्या है आर है और सेल कितने टाइम है यन टाइम, आर गुणे यन बराबर क्या हो जाएगा एन आर। ठीक, तो कुल विद्युत वाहक बल बराबर एन आई, कुल आंतरिक प्रतिरोध बराबर एन आर। अब अपन इसी को और आगे करेंगे, यहां तक नोट कर लिया आप लोग, अब आगे लिखे इसी में, यदि बाह्य प्रतिरोध का मान कैपिटल आर हो तो परिपथ का कुल प्रतिरोध, यानी बाह्य प्रतिरोध का मान कैपिटल आर हो तो, यहां लिख दे रहे हैं, यदि बाह्य प्रतिरोध का मान कैपिटल आर हो तो, कैपिटल आर हो तो परिपथ का कुल प्रतिरोध बराबर, परिपथ का कुल प्रतिरोध बराबर कैपिटल आर प्लस एनआर, मतलब आर क्या हो गया बाह्य प्रतिरोध और नंबर ऑफ एनआर क्या हो गया आंतरिक प्रतिरोध, जो दोनों को जोड़ देंगे तो हो गया बाह्य प्लस आंतरिक प्रतिरोध आर प्लस एनआर हो जाएगा। अब लिखिए आगे, अतः बहने वाली, अतः बाह्य प्रतिरोध बहने वाली धारा आई इक्वल टू, डायग्राम रेज कर दें, अतः बाह्य प्रतिरोध में बहने वाली धारा आई इक्वल टू, अतः बाह्य प्रतिरोध में, बाह्य प्रतिरोध में बहने वाली धारा I इक्वल टू बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध बराबर बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। कुल विद्युत वाहक बल देखिए क्या है या नहीं है, अब कुल प्रतिरोध हमें क्या निकाला लास्ट में R प्लस एन आर, तो या नहीं अपॉन हो जाएगा R प्लस एन आर, क्या हो जाएगा I इक्वल टू नहीं अपॉन R, या नहीं अपॉन R प्लस एन आर, यही परिपथ में बहने वाली धारा के लिए व्यंजक है, यही परिपथ में बहने वाली धारा के लिए व्यंजक है, जो आपका फार्मूला होगा फार्मूला यही है, यही आपका सूत्र। ठीक, इस प्रकार से जो हमारा ये श्रेणी क्रम टॉपिक था तो कंप्लीट हुआ, मैंने आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया, अब आपको समझ में आया कि नहीं आया आप जाने, लेकिन हमने कई बार बोला कि जब हम पढ़ाते हैं हम इतना मानते हैं कि आप मेरे सामने बैठे हो, अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं और पढ़ रहे हैं देख रहे हैं तो आप ये मान के लिए कि हम सर के पास बैठे हैं तो आप पढ़ पाएंगे, बाकी अगर आपके पास ओवर कॉन्फिडेंस है तो कोई बात नहीं। ठीक है, आप अपना अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए और अगर आप अच्छे मेहनत करेंगे तो आपका परिणाम अच्छा दिखेगा, बाकी आप पर सब कुछ, क्योंकि हर माता पिता हर शिक्षक की नज़र एक अच्छे बालक पर होती है, आप अच्छा बनिए और अच्छे बनने का प्रयास करिए, मैं आपसे आशा और उम्मीद करता हूँ। और आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, जय हिंद जय भारत।